रेविट वॉज क्रिएटेड फॉर बीम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, नाम के हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन इज की। इसलिए रेविट ने बहुत सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी बनाए, बट समटाइम्स दे आर नॉट इनफ। सो उसने हमें अलाउ किया कि हम कस्टम पैरामीटर्स भी क्रिएट करें। कस्टम पैरामीटर्स इंस्टेंस भी हो सकते हैं या फिर टाइप प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं। मान लो कि आपने एक डोर सिलेक्ट किया है, डोर का सिंगल फ्लश वाले फैमिली है। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप सिलेक्टर में देखोगे, उसके बॉटम पे ही जो भी आपको प्रॉपर्टीज दिख रही है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है उसे इंस्टेंस प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर चेंज करोगे, जैसे ही आप उसकी सील हाइट चेंज करोगे, वो इंस्टेंसली चेंज हो जाएगा, वो सारे डोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ आपने जो डोर सिलेक्ट किए सिर्फ उसी को ही अफेक्ट करेगा पैरामीटर्स। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो कंस्ट्रेंट, ये ग्रुप है और ये इस ग्रुप के पैरामीटर्स है। जैसा ही आप एडिट टाइप के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर उसकी टाइप प्रॉपर्टीज ओपन होगी। सेम वे यहाँ पर भी ग्रुप है और उसके पैरामीटर्स है जो टाइप प्रॉपर्टीज है। पैरामीटर्स बेसिकली तीन टाइप के हैं, प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, सेट पैरामीटर्स, फैमिली पैरामीटर्स और कस्टम या फिर ग्लोबल पैरामीटर्स। प्रोजेक्ट पैरामीटर्स जो है वो स्पेसिफिक टू अ सिंगल प्रोजेक्ट, कैन बी यूज्ड इन शेड्यूल, कांट बी यूज्ड इन टैग। सेट पैरामीटर्स जो है वो स्पेसिफिक टू अ सिंगल फैमिली, कैन नॉट बी यूज्ड इन शेड्यूल और टैग। फैमिली पैरामीटर्स जो है कैन बी शेयर्ड विथ अदर प्रोजेक्ट और फैमिलीज, क्योंकि जैसे ही हम फैमिली को किसी प्रोजेक्ट के अंदर लोड करेंगे या फिर फैमिली को किसी और फैमिली के अंदर भी हम लोड कर सकते हैं, तो वो शेयर्ड हो सकती है। कैन बी यूज्ड इन शेड्यूल और टैग, स्टोर्ड इन एक्स्ट्रा एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल। कस्टम पैरामीटर्स तो हमने देख लिए, हम इंस्टेंस और टाइप प्रॉपर्टीज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो प्रोजेक्ट के जो पैरामीटर्स होते हैं, हमें यहाँ पर पूछा जाएगा टाइप या इंस्टेंस किस तरह क्रिएट करना है और किस किस कैटेगरी पर आपको वो पैरामीटर्स अप्लाई करना है।